हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। इसमें हम लोग जानने वाले हैं किस तरह से हमारे देश में नियम कायदे कानून बनते हैं और उसका सब लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपने बेटे को छिपने में सहायता कर रहा है। एक्चुअली इस गवर्नमेंट ऑफिसर के बेटे ने कोई क्राइम कर दिया है, कोर्ट ने उसे सजा सुना दी है, अब वो अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर रहा है, उसे छिपा रहा है। आपको क्या लगता है, इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये जो एक्शन है ये सही है या नहीं है, और क्या इसके बेटे को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि इसके जो फादर है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है। आपके इस बारे में क्या विचार है? तो यहाँ पे आपके सामने जो पहला केस दिखाई दे रहा है ये है वॉयलेशन ऑफ लॉ। लॉ का मतलब कानून को तोड़ने की ये बात होती है। क्या लॉज है वो सभी को लागू होते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगर इस केस को देखें, इस केस में हमें क्या दिखाई देता है, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून से बड़ा अपने आप को माने। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इस तरह के किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी तबके से, किसी भी समूह से, किसी भी वर्ग से, चाहे अमीर गरीब कोई भी वो हो। और ये जो लॉज होते हैं वो हमारे कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उनसे बहुत बड़ा है। इसका मतलब लॉ जो है वो सब लोगों से ऊपर है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे कोई पैसे वाला आदमी हो, चाहे इंडिया का प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, या वो किसी भी पोस्ट पे किसी भी ग्रुप को बिलोंग करता हो। अगर वो किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे हर हालत में सजा मिलनी चाहिए और मिलके रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि नियम हमारे जो हैं, हमारे लॉज जो हैं, वो सब पे लागू होते हैं। एंशंट इंडिया की बात करें तो एंशंट इंडिया में इस प्रकार का सिस्टम नहीं था। अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे उनके लिए लॉज जो थे वो अलग अलग प्रकार के थे। एक ही समान केस के अंदर हाई सोसाइटी के जो लोग थे उनको पनिशमेंट अलग मिलता था, और लोअर कास्ट और लोअर सोसाइटी के जो लोग थे उनको पनिशमेंट बहुत ज्यादा मिला करता था। लेकिन ये अब नहीं है। अगर कॉलोनियल पीरियड, जिस समय ब्रिटिश लोग हम पे राज करते थे, तो माना जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने, ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ पे लॉ का रूल है उसको इंट्रोड्यूस किया था। हिस्टोरियंस इस मामले में डिस्प्यूट रखते हैं कि इसको लागू करने में इंडियंस का हाथ था या ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि कॉलोनियल लॉ जो था वो तो खुद आर्बिट्रेरी यानी मनमाना रूल था, वो तो खुद हमारे साथ में भेदभाव करते थे। इसलिए इंडिया के जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था रूल्स को, लॉ को लागू करवाने में। और अगर इस मनमानेपन का हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो अंग्रेजों ने एक्ट ऑफ 1870 सेडिशन का जो रूल बनाया था वो ऐसा ही है। उसके अंदर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई प्रोटेस्ट करे या क्रिटिसाइज करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको तुरंत जेल में डाला जा सकता था। उसके लिए किसी प्रकार की कोर्ट में ट्रायल या सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह का भेदभाव हमारे इंडियंस के साथ में ब्रिटिश लोगों के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने धीरे धीरे इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया, और ब्रिटेन के लोग समझ गए कि इंडिया के लोग अब इस बात को सुनने वाले नहीं हैं। इंडिया के लोगों ने बहुत अधिक लड़ाइयां लड़ी ताकि उन्हें समानता का अधिकार मिले और समान लॉज जो है वो उनपे भी लागू किए जाएं और यहाँ पे रहने वाले ब्रिटिश लोगों के भी लागू किए जाएं। और 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन लीगल प्रोफेशन जो है वो धीरे धीरे इमर्ज हुआ, और धीरे धीरे जितने भी कॉलोनियल कोर्ट थे वहां पे उन्हें रेस्पेक्ट मिलने लगा, और धीरे धीरे ये जितने भी लोग थे जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे
वो इंडियंस के लीगल राइट्स को डिफेंड करने लगे। इंडिया के जज भी बहुत सारे थे जो धीरे धीरे बड़े डिसीजंस करने लगे। इसलिए कई प्रकार से इंडिया के लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। हमारे इंडिया में कॉलोनियल रूल के दौरान रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वास्तव में इंडियंस ही थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंडिया में स्थापित किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के बाद में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया जो एक आधारशिला रखता है हमारे देश के लोगों को बराबरी का अधिकार देने का। हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो नए नए लॉज को पास करते हैं और उसी के साथ साथ में पुराने जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड या उनमें सुधार भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास की बुक में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके अनुसार एक पिता की प्रॉपर्टी में सन, डॉटर और मदर सबको इक्वल शेयर मिलेगा। इसी प्रकार के बहुत सारे नए लॉज हैं वो लागू किए गए हैं जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करवाने। आपको क्या लगता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये लॉज हमारे लिए क्यों जरूरी है? आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नए लॉज किस तरह से बनते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है लॉज को बनाने में। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे लॉज अक्सर बनाए जाते हैं। बहुत बार समाज के अलग अलग लोग विशेष मांगों को रखते हैं और उनसे जुड़े हुए भी लॉज बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जितने भी सेंसिटिव मामले हैं और लोगों के द्वारा समस्याएं फेस की जा रही है उससे जुड़े हुए लॉज को वो बनाए। और अगर घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है या किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो उससे जुड़े हुए लॉज भी वो बनाए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अक्टूबर 2006 की बात है, यहाँ पे एक लॉ पास हुआ। दो सोशल वर्कर्स हैं वो बात कर रही है। साजिया, क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? ये वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी लेडी साजिया कहती है कुसुम से कि ये जो लॉज है वो केवल महिलाओं के लिए नहीं, जबकि जितने भी लोग घर में काम करते हैं उनको वॉयलेंस से आजाद करवाएगा। लेकिन इस लॉ ने बनने में बहुत सारा समय लगा दिया। कुसुम और साजिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, बहुत समय से इस लॉ को बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और अप्रैल 1991 की अगर बात करें तो वहां पे हम लोग देखें कि किस तरह का भेदभाव लोगों को देखने को मिलता था। एक लेडी यहाँ पे कंप्लेंट कर रही है कि मुझे एडवाइस चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे पीटते हैं, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, मैं इस चीज को लेके बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। उसी प्रकार से दूसरी लेडी कहती है कि मेरे बच्चे और बहू मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ में गलत व्यवहार करते हैं, वर्बली मुझे अब्यूज करते हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स को मैं यूज नहीं कर सकती और वो मुझे घर से बाहर फेंकने वाले हैं। तो इस तरह का अत्याचार महिलाओं के साथ में हो रहा है। अब एक महिला ये भी कह रही है मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती और मैं अपने घर से भी बाहर नहीं जाना चाहती, तो मैं क्या करूं। तो दुर्भाग्य की बात थी कि उस समय इस प्रकार का कोई नियम कायदा कानून लेडीज के लिए नहीं था। लेकिन 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट पास हुआ इससे इनको इनके अधिकार मिल गए। अब 1990 से लेके लोगों ने धीरे धीरे इसके लिए आंदोलन किया, लोगों ने आवाज उठाई, महिलाओं ने आवाज उठाई कि हमारे साथ में इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमें मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, हमें हमारे घर में अधिकार मिलना चाहिए। 1999 में लॉयर्स एक साथ में आए, उनका एक ग्रुप था, लॉ स्टूडेंट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति थे। उन सब लोगों ने मिलके एक लॉ को ड्राफ्ट किया ताकि डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जा सके। और वहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल और वर्बल या इमोशनल अब्यूज। और इस लॉज में वुमेन को डोमेस्टिक स्पेस मिलनी चाहिए और किसी भी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको मॉनेटरी रिलीफ भी मिलना चाहिए। ये इस प्रकार से चर्चा हो रही थी। बहुत सारी मीटिंग हुई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की और उन्होंने बताया कि इसको जल्दी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 2002 में ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन महिलाओं ने कहा कि ये जो बिल है ये सही नहीं है। फिर उन्होंने फिर से आंदोलन किया और उसके बाद में इसमें काफी बदलाव आया और इसको सही
किया गया। ये रूल जो है वो सब लोगों के सामने आया और अंततः सारी महिलाएं इस रूल से खुश हो गई थी कि अब उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता है। ये लॉ महिलाओं के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब महिलाओं के जीवन में एक नए युग की शुरुआत होगी, उन्हें बराबरी का अधिकार मिल चुका है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि सिटीजन्स का जो रोल है वो पार्लियामेंट को हेल्प करने में बहुत अधिक क्रूशियल होता है, और पार्लियामेंट जब भी रूल्स बनाती है तो वो लोगों की कंसर्न्स के बारे में, लोगों की ट्रबल्स प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती है, और अपने आप पार्लियामेंट को पता लग जाता है लोगों के द्वारा कि किस समय कौन सा नियम बनाना चाहिए और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए, और लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग, किसी भी प्रकार से आवाज उठाते हैं, और ये आवाज जो है वो धीरे धीरे पार्लियामेंट तक पहुंचती है और पार्लियामेंट उसके अनुसार एक्शन लेती है। अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, ऐसे लॉज जो पॉपुलर नहीं हुए, जिनसे जुड़े हुए कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी या विवाद है। अब ऐसी सिचुएशन पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉ पास किए और वो पॉपुलर नहीं हुए। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड होते हैं, लीगल होते हैं, लेकिन वो अनपॉपुलर होते हैं, लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे किसी प्रकार का अनफेयर या हार्मफुल इंटेंशन या कुछ भी हो सकता है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन लोग ऐसे नियम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खिलाफ पब्लिक मीटिंग रखते हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, टीवी न्यूज चैनल्स में बोलते हैं, तो ये डेमोक्रेसी जो है हमारी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि सिटीजन्स बिना किसी से डरे हुए अपनी इच्छाओं को लोगों के सामने रख सकते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पार्लियामेंट तक पहुंचे और उनके अनुसार उस लॉ में बदलाव लाया जा सके। जब बहुत सारी संख्या में लोग ये कहते हैं कि ये गलत नियम पास हो चुका है, पार्लियामेंट पे प्रेशर होता है और वो उसमें बदलाव लाती है। जैसे कि म्युनिसिपल लॉ जो कि पास हुआ था, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो पेस को यूज करते हैं उनसे जुड़ा हुआ, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा कि पब्लिक स्पेस है तो वो खाली रहना चाहिए ताकि हम लोग आसानी से काम ले सके। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी होकर्स हैं और वेंडर्स हैं हमें सस्ती सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं और इनके कारण से लाखों लोगों का जीवन यापन चलता है, अगर उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वो बेचारे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इस तरह का लॉ होना चाहिए कि दोनों समस्याओं का समाधान हो सके, इन व्यक्तियों के जीवन पे भी नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए और साथ ही साथ में आम आदमी की समस्या का भी समाधान होना चाहिए। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उस लॉ को कैंसिल किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग किसी भी प्रकार का जो नियम जो कि उनके खिलाफ होता है उसका विरोध करते हैं, वो उसके लिए कैंपेन करते हैं और एकजुटता दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि वो किसी प्रकार से अपने जितने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पे प्रेशर बना सके, पार्लियामेंट पे प्रेशर बना सके, न्यूज़पेपर मीडिया को वो यूज कर सके, अपने एमपीज और एमएलएज को इन्फॉर्म कर सके, ताकि इसी प्रकार के लॉस बनाए जाएं जिनमें लोगों का भला छिपा हुआ हो, और इन्हीं लोगों के कारण से पार्लियामेंट हमेशा सही रास्ते पे चलती है, सही नियम कायदे कानून बनाती है, और इसी कारण से पब्लिक इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि एमपी एमएलए आदि लोगों को चुनती है ताकि वो उनसे जुड़े हुए नियम कायदे कानून बना सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।